नाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। उद्यमेश्वर तंत्र और काली किताब को मिला करके अभी तक हम लोगों ने करीब 15 यक्षिणियों की साधना के बारे में बात करी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जिस तरीके से यक्षिणी साधना बताई गई है वो संभव नहीं है, तो इस विषय पर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि ये सारी साधनाएं कालांतर में लिखी गई हैं। तो अगर वेदों की माने, अगर हिंदू ग्रंथों की माने, तो हर काल खंड में इंसान की आयु और जो साल है उसकी गणना, जो समय है उसकी गणना, ये चेंज होता रहा है। तो कलयुग में इंसान का जो उम्र है और जो समय है दोनों बहुत ही सीमित है। तो जिस समय ये साधनाएं बनाई गई थी उस समय हो सकता था कि किसी मंत्र का एक रात में 1000 जाप हो पाए, आज की डेट में ऐसा संभव नहीं है। बहुत सारी साधनाएं मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि आपको जानकारी हो, लेकिन आज जैसे मैं जो साधना दे रहा हूं ये आप कर सकते हैं। मेखला की साधना मैं दे रहा हूं। मेखला उसको कहते हैं, मेखला यक्षिणी प्रेत योनि की यक्षिणी है, और कहा जाता है कि जो प्रेम है उसको ये कमर में बांधती है, जो प्रेम भाव होता है उसको ये कमर में बांधती है। तो बड़े सौम्य स्वभाव की ये यक्षिणी होती हैं। इनकी साधना करने के लिए आपको एक मधुका का पेड़ खोजना पड़ेगा। मधुका के पेड़ के नीचे ही इन यक्षिणी की साधना हो सकती है, और साल में सिर्फ जो बसंत होता है, बसंत के 14 के दिन आपको मधुका के पेड़ के नीचे बैठना है और उसके बाद इनके मंत्र का जाप करना है। इनके मंत्र के जाप करने से आपको 2 लाभ होगा। पहला, मेखला यक्षिणी की साधना जो भी साधक करता है उसको कभी धन की कमी नहीं होती है। मतलब आप जाप शुरू करोगे और आपके धन की कमी जो है वो कम होती जाएगी। इसके अलावा मान प्रतिष्ठा तो बढ़ता ही है, लेकिन मेखला यक्षिणी की साधना से जो सबसे बड़ा लाभ है वो ये है कि इनकी साधना में एक ऐसा द्रव्य आपको मिलेगा, मतलब सेमी सॉलिड फॉर्म में, जिसको लगाने के बाद आप विश्व मोहन कर सकते हैं। तो जो 14 की रात है बसंत में, उसमें आपको मधुका के पेड़ के नीचे बैठ के ये मंत्र जाप करना है निरंतर बिना गिने हुए। मंत्र क्या है? मंत्र है ओम द्रिम हुम मदना मेखल्यै मदना विदम बनायै नमः स्वाहा। इस मंत्र का आपको रात भर जाप करना है जब तक सूर्योदय ना हो जाए। सिर्फ इसके जाप करने से ये यक्षिणी प्रसन्न हो जाती हैं और आपको जो भी आपको अभिष्ट फल चाहिए, मतलब इनकी साधना से धन धान्य दौलत तो ऐसे ही मिल जाती है, लेकिन जो बहुत सारे साधक चाहते हैं कि वो जिसके सामने बैठे वो उनसे प्रभावित हो और उनका कार्य करे, वो विषय। और जिसके पास इस यक्षिणी की साधना आ जाती है उसको किसी भी तरीके का वशीकरण या मोहन किसी पर नहीं करना पड़ता है। दृष्टि मात्र से ही सामने वाले का मोहन हो जाता है, इसीलिए इसे विश्व मोहिनी भी कहते हैं। बेसिक साधना, बंधन वंदन मंत्र, भैरव मंत्र अगर सीखना है, भैरव जी का पूजा कैसे करें, ये सारी विद्याएं सीखनी है, तो मेरा एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है तो हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मेरी किताब है, वो आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, बुक स्टोर्स में मिलता है। जिसको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है, मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उसमें आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए आप लोग कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड करिए, उसमें रुद्रनाथ सर्च कीजिए और फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी को आदेश आदेश अलख आदेश।